अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको आज वाली वीडियो के अंदर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस के अंदर बहुत सारी भर्तियों का ऐलान कर दिया गया है। इसके अंदर बहुत सारी असामियाँ आ चुकी हैं। आपने इसके लिए किस तरह अप्लाई करना है, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार हम आज की वीडियो के अंदर लर्न करेंगे और कम्प्लीट क्राइटेरिया मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा ताकि आपको कम्प्लीट क्राइटेरिया समझ आ सके और इस जॉब को आपने किस तरह अप्लाई करना है, अप्लाई करने का भी सारा तरीकाकार मैं आपको आज वाली वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने ओपन कर लेना है YouJobs.PK को। जैसे ही आप YouJobs.PK को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपने इस पोस्ट को ओपन करना है। इस पोस्ट को ओपन करने का मकसद क्या है और क्या क्राइटेरिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस पोस्ट के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा और आपको एडवर्टीजमेंट फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं और रीड आउट भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं इसको आपको कंप्लीट क्राइटेरिया बताता हूँ। जैसे ही मैंने पोस्ट को ओपन किया, अभी मैं आपके साथ कंप्लीट क्राइटेरिया शेयर करने वाला हूँ कि आपने इसको किस तरह ज्वाइन करना है, इस पोस्ट के लिए आपने किस तरह इसको अप्लाई वगैरह करना है। सबसे पहले हम जॉब की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन को यूज़ करेंगे कि जॉब की क्या डिटेल्स हैं और क्या क्या क्राइटेरिया और लास्ट डेट इसकी कब है। दोस्तों ये क्राइटेरिया है जॉब का, इसके लिए जो जॉब पब्लिश हुई है वो 29 मार्च 2023 है। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की 02 अप्रैल 2023 है। अभी 2-3 दिन बाकी हैं, आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो इसके लिए रिक्वायरमेंट है, वो इसके लिए रिक्वायरमेंट है प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर, इनमें से आपकी आपकी ये जो एजुकेशन है ये होनी चाहिए। और जो जॉब की पोजीशन है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। 4 जॉब की पोजीशंस आई हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट और नाइप कैशर। अब मैं चलता हूँ एडवर्टीजमेंट की तरफ। ये एडवर्टीजमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नीचे एडवर्टीजमेंट भी दिया गया हुआ है, आप इसको यहाँ से आके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये रहा एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के ऊपर आपको कंप्लीट क्राइटेरिया मिल जाता है कि क्या क्या क्राइटेरिया है। ये रहा एडवर्टीजमेंट और यहाँ पे पोस्ट लिखी है और उसकी नेम ऑफ पोस्ट लिखी है और उसकी जो वो है आपने कितनी इसकी फीस पे करनी है वो भी आगे लिखी हुई है और आगे इसका कंप्लीट एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए। एज की जो लिमिट है वो 18 से 25 और 28 ईयर्स तक है और जो ओपन मेरिट बेस्ड जॉब है और एक लोकल बेस्ड जॉब है, तो आपने इसको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए अभी आपको मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। अप्लाई के लिए आपने करना क्या है, आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है mora.government.pk के ऊपर और वहाँ पे जाके आपने अपना फॉर्म वगैरह सबमिट करना है, तो आप इस जॉब के लिए इजीली वहाँ पे जाके अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया गया है, तो मैंने यहाँ पे इसका लिंक दिया गया हुआ है वेबसाइट के ऊपर। ये रहा mora.government.pk। आप जैसे ही इस पोस्ट इसको ओपन करेंगे ना इसको, तो आप डायरेक्टली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ये देखें mora.government.pk के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इनका कनेक्शन मेरे ख्याल से प्राइवेट नहीं है, तो मैं हम इसको अनसेफ करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने ये एक क्राइटेरिया आ जाएगा। मे भी ये थोड़ा सा टाइम ले, mora.government.pk वेबसाइट तो अभी ओपन नहीं हो रही, मे भी ये डाउन जा रही हो। दोस्तों इसके ऊपर आप मैनुअल सबमिट भी कर सकते हैं, जो अपनी CV है और आपका जो क्राइटेरिया, आपने इसको मैनुअल भी सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा गया है कि आपने इस एड्रेस के ऊपर आके 9 बजे आपका इंटरव्यू होगा, टेस्ट और इंटरव्यू 9 बजे, तो आप इसको कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसकी वेबसाइट को भी देख सकते हैं, मे बी इनका मे बी जो है ना क्राइटेरिया वो मैनुअल ही हो अप्लाई करने का तरीका, अदरवाइज आप देख सकते हैं। ये ओपन तो हो रही है वेबसाइट, में भी काफ़ी टाइम ले रही है लोड होने में, तो आप इसको इजीली बाद में अप्लाई वगैरह कर दीजिएगा। अप्लाई करना तो सभी दोस्तों को आता होता है, तो इस वजह से मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी कि हमने किस तरह इस पोस्ट को अप्लाई वगैरह करना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।